नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे जो टर्बो शाफ्ट इंजन होता है वो क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है और इसको ये नाम दिया क्यों गया है, इसको भी हम जानेंगे इसके अंदर। अब देखिए, टर्बो शाफ्ट इंजन की डायग्राम हमने यहाँ पर बनाई है। जो टर्बो शाफ्ट इंजन है सिमिलर आपको लग रहा होगा टर्बो जेट इंजन से, लेकिन इसके अंदर कुछ डिफरेंसेस हैं जो इसको टर्बो जो जेट इंजन है या टर्बो प्रोप इंजन है जो पहले हमने डिस्कस किया था उससे इसको अलग करते हैं। तो चलिए पहले इसके कंपोनेंट समझ लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये लगा होता है कंप्रेसर। कंप्रेसर का काम हमें पता है क्या होता है। उसके बाद इसी शाफ्ट के साथ यहाँ पर लगा होता है एक टर्बाइन, तो ये हो गया टर्बाइन। और यहाँ पर देखिए गैप है, यानी कि ये शाफ्ट अलग है और ये शाफ्ट अलग है, और ये जो शाफ्ट के साथ यहाँ पर ये लगा है इसको बोल देंगे हम, ये होता है पावर टर्बाइन। अभी इनके फंक्शन को जानेंगे। तो ये हो गया हमारे पास पावर टर्बाइन। उसके बाद ये जो शाफ्ट है हमारे पास, ये जो शाफ्ट है ये कनेक्टेड है एक गियर बॉक्स के साथ। यहाँ पर ये हो गया गियर बॉक्स। इसके अंदर दो गियर हैं, देखिए ये और ये आपस में अटैच हैं, और ये एक शाफ्ट के थ्रू इस फैन से कनेक्टेड है। अगर हम इसको हेलीकॉप्टर का फैन बोल दें तो मान लेते हैं ये जो फैन है हेलीकॉप्टर का है, और ये जो है शाफ्ट इससे कनेक्टेड है। तो ये हो गई हमारे पास शाफ्ट, जो कि इस शाफ्ट से ये फैन कनेक्टेड है और ये गियर कनेक्टेड है, यानी कि एक शाफ्ट से गियर कनेक्ट है और इस शाफ्ट से गियर कनेक्ट है। तो इसको शाफ्ट वन अगर बोल दें, इसको शाफ्ट टू बोल दें, तो इन दोनों शाफ्ट को ये गियर जोड़ रहे हैं। इसको वन गियर बोल दें, इसको टू गियर बोल दें, तो ये दोनों गियर के थ्रू अटैच हैं। तो ये इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं। और बीच में यहाँ पर ये जो गैप हमने दिखाया है ये है कंबशन चैम्बर, जहाँ पे फ्यूल बर्न होगा। तो चलिए इसकी वर्किंग को समझते हैं। जैसे ही सबसे पहले एयर इनटेक होगी, तो एयर इनटेक हम यहाँ से दिखा देते हैं। यहाँ पर ये क्या होगा, एयर का इनटेक होगा, यानी कि एयर जो है यहाँ से आएगी। तो एयर इनटेक हुई यहाँ से, एयर इनटेक होगी तो वो आगे कंप्रेसर पे जाएगी, जिससे इसका प्रेशर और टेम्परेचर राइज होगा, और ये जो है कंप्रेसर से निकलकर हाई प्रेशर और टेम्परेचर के साथ निकलेगी। यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर इसका राइज होगा। उसके बाद यहाँ पर ये जो है कंबर्शन चैम्बर होता है हमारे पास, तो यहाँ पर क्या होगी, कंबर्शन होगा, फ्यूल जो है यहाँ पर बर्न होगा, और ये एयर जो है कंप्रेस्ड एयर उस फ्यूल के साथ मिक्स होगी, और यहाँ पर हाई प्रेशर गैसेस बनेंगी जो कि इस टर्बाइन पर आएंगी और इस टर्बाइन को घुमाएंगी। यानी कि इस टर्बाइन को घुमाया तो हमें पावर मिलेगी, और उस पावर का यूज़ इस कंप्रेसर को चलाने के लिए हम करते रहेंगे। तो यहाँ से कुछ पावर मिली जिसका हमने यूज़ किया इस कंप्रेसर को चलाने के लिए, यानी कि ये साइकिल चलती रहेगी। एयर आएगी, कंप्रेस होगी और टर्बाइन पे जाएगी, और यहाँ पर पावर एक्सट्रैक्ट होगी। बाकी की जो हॉट गैसेस हैं हाई प्रेशर एनर्जी के साथ वो आगे जाएंगी। और यहाँ पर हमारा लगा है, देखिए अभी इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है शाफ्ट के साथ इसका, और ये जो है इसको हम बोलते हैं पावर टर्बाइन। तो ये जो हाई प्रेशर गैसेस हैं हॉट गैसेस हैं वो इसको घुमाएंगी। अब जैसे ये घुमाएगी इसको, तो ये शाफ्ट जो वन कनेक्टेड है इसके साथ, ये इस गियर बॉक्स के थ्रू यहाँ वन गियर पे कनेक्ट है और ये इससे कनेक्टेड है। पूरा अरेंजमेंट यहाँ पर होता है। यहाँ पर हमने सिंपल मैकेनिज्म समझाया है ताकि हम इसको आसानी से समझ सकें, यानी कि गियर के थ्रू एक शाफ्ट दूसरी से कनेक्टेड होगी। अब जैसे ही ये इस गियर को घुमाएगी, तो यहाँ पर इस शाफ्ट के थ्रू ये फैन घूमेगा, और जैसे ही ये फैन घूमेगा जो इसको ऊपर की तरफ उठाएगा, जैसे ही फैन ये घूमेगा, हेलीकॉप्टर के अंदर यही होता है, जैसे फैन घूमता है तो वो उसको ऊपर की तरफ उठाता है। तो इस तरह से ये जो इंजन है काम करता है। इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ ये अलग सेक्शन बनाया होता है जो पावर टर्बाइन का होता है, जिसके अंदर हॉट एग्जॉस्ट गैसेस जाती हैं और इस टर्बाइन सेक्शन को घुमाते हैं। इसको इसीलिए पावर टर्बाइन भी बोला गया है, क्योंकि ये पावर देता है। और ये जो टर्बाइन है इसके साथ लिंक नहीं होता, जो ये पूरा सेक्शन है इसके साथ लिंक नहीं है, ये ध्यान रखना है। और इसके थ्रू हमें आउटपुट जो स्पीड है वो मिलती है। अब ये जो टर्बोशाफ्ट इंजन होते हैं ये अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशंस हम काम में लाते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि हेलीकॉप्टर्स के अंदर यूज़ होते हैं, वेरियस इंडस्ट्री की प्रोसेस भी हैं वहाँ पर भी ये यूज़ होते हैं। वो आगे हम इसको डिस्कस करेंगे जब कंपैरिजन करेंगे टर्बो प्रोप और टर्बोशाफ्ट इंजन का। तो इस तरह से टर्बोशाफ्ट इंजन काम करता है। तो
तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।